अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल लीला यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज का हमारा लेक्चर नंबर SEO का 4 है। आज हम बात करेंगे कि नीच रिसर्चिंग और कीवर्ड रिसर्चिंग। सबसे पहले नीच क्या होता है? नीच ये होता है कि हमने किसी ऐसे नीच टॉपिक को कहते हैं। तो हमने ऐसे टॉपिक फाइंड करना है जो जिसका कंपटीशन लो हो और सर्च ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर मार्केट में वो चीज़ कम हो, लोग ज़्यादा जानना चाहते हो, इसको कंपटीशन और सर्चिंग कहते हैं। तो हमें ऐसे टॉपिक की तलाश है जिसकी सर्चिंग ज़्यादा और कंपटीशन कम हो। तो हमने वो क्यों फाइंड करना है? वो इसलिए कि क्या कि अगर ज़्यादा सर्च वाले हो या ज़्यादा कंपटीशन वाले हो तो हमारी रैंकिंग मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए हम उसके ना कंपटीशन लो रखते हैं और सर्च ज़्यादा रखते हैं, तो इसके लिए हम वो टॉपिक फाइंड करते हैं। तो उसके लिए बाद में आता है कि कीवर्ड रिसर्च, जो हमने टॉपिक के रिलेटेड हमने कीवर्ड ढूंढने हैं वो कैसे ढूंढने हैं। वो मिसाल दे रहा हाउ टू हो गए या ब्लॉगिंग के आर्टिकल के जो मेन टाइटल है वो कैसे हमने ढूंढना है। तो उसके लिए हमें टूल की ज़रूरत होती है जो पेड भी है फ्री भी है, लेकिन मैं फ्री यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेड टूल्स यूज़ करें, AHREF और Moz.com, हम इन पर काम करते हैं। और भी बेशुमार टूल्स हैं जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, लेकिन चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हम आगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पे हम क्रोम पे जाएंगे ब्राउज़र में, यहाँ पे अब हमने पहले नीच रिसर्च करना। नीच रिसर्च कैसे करेगा? तो उसके लिए हम पहले जाएंगे AHREF में। ये पेड टूल है लेकिन ये फ्री का ट्रायल भी है, लेकिन ये ऐसे कह रहे हैं 10-20% काम करता है फ्री ट्रायल में, वरना ये अगर पेड हो तो 100% काम करता है, अच्छा रिकमेंड अच्छा रिजल्ट देता है। ये देख लें, ये पेड आ गया। ये है फ्री SEO टूल्स मेड बाय AHREF। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ गया फ्री वाला। यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च है, हमने सबसे पहले नीच ढूंढनी है। तो नीच के लिए हमने पहले कंपटीशन चेक करना। वो कैसे चेक करेंगे? वो जहाँ पे लिखा होगा ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये डिफ़िकल्टी इसको कहते हैं कंपटीशन को। ये डिफ़िकल्टी तकरीबन AHREF के मुताबिक 20 से कम हो, डिफ़िकल्टी 20 से कम हो तो हमारी रैंकिंग आसानी से हो जाती है। अब हमने US को टारगेट करना है। ये US को टारगेट करना है, यहाँ पे अपनी मर्जी की कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। आपने टॉपिक फाइंड करना है या वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, जो भी करना है वो किसी ना किसी कंट्री को टारगेट करके करना होता है। तो हम ज़्यादा सर्चिंग जो आती है वो US से आती है, तो हम इसलिए US को फाइंड करते हैं। तो यहाँ US को फाइंड किया, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी के कोई भी आपने कीवर्ड लिख लेना है। मिसाल दे रहा हूँ, मैं लिखता हूँ फर्नीचर, या फर्नीचर लिख लिया, चेक कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यहाँ पे क्लिक करना। या आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पे क्लिक कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेता, आपने थोड़ा सा वेट करना। ये आ गए, ये थ्री सुपर हार्ड, ये हमारी पहुँच से बाहर है। ये नीचे है बैक लिंक डोमेन अठालती, ये कीवर्ड, ये मैं आपको आगे बताऊंगा आगे के लेक्चर में। ये फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं। ये इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 83 है। तो हमने ऐसा टॉपिक फाइंड करना है यहाँ पे इसकी डिफ़िकल्टी 20 से कम हो। तो वो नीच ढूंढना भी बहुत सारा काम होता है, आपको शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे उसके बाद आप फिर काम शुरू करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो हम फिर और कोई मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कीवर्ड सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे कीवर्ड रैंक चेक कर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ बैक आए, ये कीवर्ड जनरेशन, यहाँ पे कीवर्ड जनरेशन में चेक करना। अब मैं ये यूनाइटेड स्टेट टारगेट करना, मैं लिखता हूँ फर्नीचर, यहाँ पे मुझे लो कंपटीशन के कौन से कीवर्ड मिलते हैं, मैं उस पर काम करूँगा। ये गूगल आपने ऊपर सेलेक्ट रखना, ये ना यूट्यूब और बिंग हो या अमेजोन पे क्लिक हो, यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना। ये गूगल आपने गूगल का काम करना, तो गूगल पे सेलेक्ट हो। ये फर्नीचर आ गया, ये देख लें यहाँ पे KD आपको मिल रही है। ये वैल्यू सिटी फर्नीचर ये हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन चेक करते हैं ये क्या सूरत हाल है इसकी।
ये गूगल में चेक कीजिए तो अपनी किसी की ज़ाती वेबसाइट है वैल्यू सिटी फर्नीचर, लेकिन इसकी यहाँ पे ये सर्चिंग भी है, ये देख लें 4,50,000 है ये इसका CTR, मतलब क्लिक थ्रू रेट। जो क्लिक थ्रू रेट मिलता है वो 79, 0.79। यहाँ पे इमेज चेक करते हैं वैल्यू सिटी फर्नीचर में क्या है। हाँ, ये वैल्यू सिटी में हर किस्म का फर्नीचर आ जाता है। डिमेन हमने जो बाय करनी है यहाँ की वर्ड के हिसाब से, या हमने अपने नीच के हिसाब से, हमने जो से भी डोमेन बाय करनी है, डोमेन दो तरीक़ों से होती है। एक ब्रांड डोमेन होती है, एक मिलती जुलती डोमेन होती है। तो हम कोशिश पहले ये करते हैं कि मिलती जुलती डोमेन हो, वो ना हो तो हम ब्रांड की डोमेन ख़रीद लेते हैं। तो मिसाल दे रहा हूँ, मैं रखता हूँ वैल्यू सिटी फर्नीचर, मैं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से और कुछ ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ये 38 वाला ले लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है। फर्नीचर स्टोर, ये भी बहुत ज़्यादा है। फर्नीचर मैं आगे लिख देता हूँ, सोफा लिख देता हूँ। उसका कंपटीशन कितना है? ये आ गया, ये किसी कंपनी का ही है, कोई ब्रांड लग रहा है, ये बार बार उसका नाम आ रहा है। ये 3 वाला है, ये किसका है? ये भी उस कंपनी का ही आ रहा है, ये एक भी उसका आ रहा है। लेकिन हम किसी का काम, ब्रांड हमने अपना बनाना है तो हम अपने नाम से बनाएंगे, तो उनका नाम, वरना हम सर्च करेंगे और उनका नाम ज़्यादा आता जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि अपना नाम हो। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, नेस्टिंग टेबल कर देता हूँ। नेस्टिंग टेबल हो गई, ये की बार जो सर्च कर रहे हैं कि नहीं, ये आ गया। ये इसके KD 12 है, वॉल्यूम ही सर, वॉल्यूम ही 2.7K है। मिसाल दे रहा हूँ 2700, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है नेस्टिंग टेबल। ये हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। ये मैं आपको बता लूँ कि ये गूगल की इंटेंशन है, ये यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, एक काम और भी हो गया, हम यहाँ पे देखते हैं, हम गूगल USA की हमने सर्चिंग देखनी होती है, हमने सर्चिंग गूगल USA की देखनी होती है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं गूगल USA, क्योंकि हमने USA को टारगेट करना है, तो गूगल USA की सर्चिंग ज़्यादा करके, ये जो आप पहले फोटो आए ना, वो उसको कहते हैं फ्यूचर स्निपेट। वो हमने ऐसा टॉपिक फाइंड करना कि फ्यूचर स्निपेट ना हो वहाँ पे। ये यहाँ पे भी है, नहीं बचा था यहाँ पे, ये एक ही है, बाकी यहाँ ये भी है। तो हमारा काम करना यहाँ पे तकरीबन 50-50 चांस है। तो आपने अच्छी नीच फाइंड करना है यहाँ पे, ये फ्यूचर स्निपेट भी ना हो, यहाँ पे ये सवाल जवाब जैसे ये आ रहे हैं, यहाँ ये भी ना हो, खाली वेबसाइट हो, और ना कि यहाँ पे ऐड चल रही हो, क्योंकि ऐड वाले भी टॉप पर आए होते हैं, और ऐड वाले भी ना हो। आपने ऐसे नीच फाइंड करने, डिफ़िकल्टी कोशिश करें 20 का कम हो, और सर्चिंग 5,000 से ज़्यादा हो, आपने ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं। अब ये गूगल की अटेंशन कैसे लगनी है, आपने यहाँ आ जाना है क्रोम, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आपने वो इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपने लगा लेना। ये टेंशन है इसकी, एक बार सर्वर, एक बार सर्वर है, ये टेंशन आती है जहाँ पे क्रोम वेब पेज। क्रोम वेब स्टोर, सॉरी क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे आना है। ये पहला लिंक है chrome.google.com, ये वेब स्टोर है। यहाँ पे हमने ये लिखना है कीवर्ड सर्वर, कीवर्ड सर्वर, ये पहला है। आप ये डाउनलोड कर लें, या यही डाउनलोड कर, यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये डाउनलोड कर लें serverseo.com। ये आपने टेंशन यहाँ पे लगा लेनी है। जैसे आपको मैंने आप क्रोम वेब स्टोर सर्च के देख ली, कायद आए सैकड़ा हज़ार, 10 लाख, 6,73,000 लोगों ने सर्च किया, ये USA में करते हैं। ये देख रहे, ये ऐड आ रहा है, ये ऐड ना हो, आपने ऐसे नीचे सर्च करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 9 मिनट की। तो कोशिश करेंगे हम
शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाया था कि आपको अच्छी तरह समझ लग सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई या किसी की चीज़ समझ नहीं लगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर हमें सवाल करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।